पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस है और उस देहू रोड का जो कैंटोनमेंट बोर्ड है पुणे सिटी से लगभग 25 किलोमीटर पे है और ये सारा डिस्टेंस कवर करके हम वहाँ तक पहुँच गए। एंट्री पे ही हमें एक बड़ा वाला बोर्ड दिखाई दिया जहाँ पे लिखा था कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड और वहाँ से चलते हुए हम मेन ऑफिस तक पहुँच गए जहाँ पे हमें फिर से एक बोर्ड दिखाई दिया कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड 1960। वहाँ से आगे चलते हुए हमें एक लेन कॉरिडोर दिखाई दिया जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे और उस डिपार्टमेंट के कॉरिडोर से चलते चलते उस डिपार्टमेंट के आखिरी जो केबिन था वो था हमारे जो स्पेशल गेस्ट है अमित कुमार माने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड। जब उनके ऑफिस में हम चले गए तो हमें वो रियलाइज़ हुआ कि उनका जो ऑफिस है वो बहुत बड़ा है जो एक CEO के लेवल को हमें समझ सके। फिर हमने अमित कुमार माने जी को ग्रीट किया और उनसे एक पहला सवाल जो पूछा वो था कि भाई कैंटोनमेंट बोर्ड है क्या एग्जैक्टली। कैंटोनमेंट बोर्ड एक म्यूनिसिपल बॉडी है जो कि जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वहाँ के लिए सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आप इमेजिन कीजिएगा कि कोई भी एक म्यूनसिपैलिटी है जो म्यूनसिपल बॉडी काम करती है वही कैंटोनमेंट बोर्ड आर्मी एरिया के लिए काम करता है। जैसे वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड सैनिटेशन, ऑल दी वर्क्स आर लुक्ड आफ्टर बाय दी कैंटोनमेंट बोर्ड। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। And apart from that, the land management within the cantonment limits is also a responsibility of the cantonment board. वहाँ से हम कैंटोनमेंट बोर्ड का जो स्कूल था वहाँ चले गए जिसका नाम था महात्मा गांधी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय देहू रोड। उस स्कूल को हम जब देख रहे थे बहुत सारे स्वच्छ सर्वेक्षण वाले हमें बोर्ड दिखाई दिए, फिर हमें एक बड़ा वाला ग्राउंड भी जहाँ जहाँ पर बच्चे खेल सके। फिर वहाँ से आगे चलते हमने अमित जी से ये पूछा कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऐसे दोनों मेंबर्स रहते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड जैसे है तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 7 डिफरेंट वार्ड्स जहाँ से इलेक्शन के थ्रू एक कॉरपोरेटर जिसको इलेक्टेड मेंबर बोला जाता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दूसरे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिसमें मेंबर सेक्रेटरी जो होता है वो CEO होता है, CEO कैंटोनमेंट बोर्ड। प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं वो स्टेशन कमांडर होते हैं और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो बोर्ड के मेंबर होते हैं और बाकी जो मेंबर्स होते हैं जो आर्मी द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और विद इन द कैंटोनमेंट बोर्ड देर आर डिफरेंट सेक्शंस लाइक इंजीनियरिंग सेक्शंस, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट, स्कूल डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जिसके लिए उसके सेक्शन हेड्स होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं और सेक्शन हेड्स के बिलो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जैसे जूनियर क्लर्क्स होते हैं या स्कूल में टीचर्स होते हैं। हॉस्पिटल में अगर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर है तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फार्मासिस्ट, नर्सेस, वार्ड बॉयज काम करते हैं। तो जैसे आप जनरल कोई भी म्यूनसिपल बॉडी में देखते हैं वी वर्क ऑन द सेम फैशन, वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ द कैंटोन। फिर वहाँ पे जो कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन लोगों को लगता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इज ओनली फॉर द आर्मी, तो यहाँ पे बहुत सारे सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है और इस सारे सिविलियन पॉपुलेशन को हम देखने के लिए बाहर निकले तो ये एक नॉर्मल म्यूनसिपल जैसा एरिया रहता है। वैसे ही बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस कॉम्प्लेक्सेस भी थे। जाते जाते हमें एक बड़ा वाला गुरुद्वारा भी दिखा और जिसका ज्यूरिसडिक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत किया जाता है।
फिर हमने अमित जी से ये पूछा कि ये जो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है या फिर ये कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सीईओ रहते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है उसका ऑफिसर होता है वो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस से बिलोंग करता है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस एक ग्रुप ए सर्विस है जिसका जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज द्वारा ही ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट जो दिल्ली में स्थित है ये सारे कैंटोनमेंट बोर्ड का मैनेजमेंट करता है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट के जुरिसडिक्शन में 62 कैंटोनमेंट्स ऑल ओवर द इंडिया एंड 37 डिफेंस स्टेट सर्कल्स जो कि विच लुक्ड आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द डिफेंस लैंड होते हैं। और आज के दौर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज़ द लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन द कंट्री। लगभग 17 लाख एकर्स ऑफ लैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जुरिसडिक्शन में है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट के थ्रू मैनेज किया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब आर्मी का एरिया है, तो स्पेसिफिकली आर्मी एंड कैंटोनमेंट बोर्ड का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तहत आता है उनका कोऑपरेशन कैसे होता है? जी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपने मैंने बताया तो प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं ही बिलोंग्स टू द आर्मी। स्टेशन कमांडर किसी भी स्टेशन के स्टेशन कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। इसको अगर इक्विवेलेंट किया जाए तो जैसे किसी भी म्यूनिसिपल बॉडी में महापौर होते हैं मेयर होते हैं तो प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड इज़ इक्विवेलेंट टू द मेयर ऑफ एनी म्यूनिसिपल बॉडी। एंड जो सीईओ का डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड जो कंटोनमेंट बोर्ड के मंथली मीटिंग्स होते हैं उसको हेड करते हैं। इसके अलावा 5 ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कि जो आर्मी को बिलोंग करते हैं। उसमें गैरिसन इंजीनियर होते हैं जो आर्मी मेडिकल आर्मी हॉस्पिटल होता है उसके जो हेड होते हैं वो भी मेंबर होते हैं। आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं एडम कमांडेंट जिसको बोला जाता है ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड। तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है आर्मी और कैंटोनमेंट बोर्ड या आर्मी और सिविलियंस के बीच में ये इन चारों ऑफिसर के थ्रू किया जाता है। प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड इज़ ए लिंक बिटवीन आर्मी एंड द कंटोनमेंट बोर्ड और जो जिन कामों में हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ती है या आर्मी को लोकल मिलिट्री अथॉरिटी को कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है वो है एक तो सैनिटेशन जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड पूरे आर्मी एरिया को प्रोवाइड करता है। दूसरा है लैंड मैनेजमेंट का, तो अगर आर्मी को कोई भी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है तो दैट इज़ मैनेज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द डीओ डिफेंस स्टेट ऑफिसर एज द केस में भी। उसके अलावा इंक्रोचमेंट रिमूवल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रिमूवल के लिए आर्मी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रोवाइड करती है। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड रहता है वो फिर भी किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है और उस डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ रहता है वो कलेक्टर रहते हैं, लेकिन सीईओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये हमेशा एक साथ काम करते हैं टू एडमिनिस्टर होल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली कैंटोनमेंट बोर्ड, तो उनका जो कोऑपरेशन रहता है वो कैसे रहता है ये जानने की हमने कोशिश की। अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड इन सिविलियन पॉपुलेशन के वेलफेयर के बारे में सोचती है। तो जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही कैंटोनमेंट क्षेत्र में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सर्वशिक्षा अभियान इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स। और
बाकी जो मिड डे मील स्कीम्स है एंड अमृत स्कीम, स्मार्ट सिटी स्कीम्स अगर कैंटोनमेंट बोर्ड में इम्प्लीमेंट करना है तो वी हैव टू कॉन्टैक्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कैंटोनमेंट एरिया भी मेंटेन करने के लिए पुलिस, स्टेट पुलिस की हेल्प लगती है. अगर कैंटोनमेंट बोर्ड कहीं पे इंक्रोचमेंट रिमूवल कर रहा है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके लिए पुलिस हेल्प हमें स्टेट पुलिस ही प्रोवाइड करती है. उसके अलावा जिला परिषद के जो भी स्कीम्स होते हैं तो उसके लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद के भी को भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है. और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट विद इन कैंटोनमेंट बोर्ड इम्प्लीमेंट करना है या इरेक्शन करना है तो उसके लिए स्टेट PWD उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है. इसके अलावा ऑनरेबल MLA ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया आर ऑल्सो द मेम्बर्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड. तो अगर कोई वेलफेयर स्कीम लानी है तो वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MPs एंड MLAs एंड वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कैंटोनमेंट बोर्ड को उन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ CEO जो रहते हैं ना, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के भी मेंबर रहते हैं, तो जान लेते हैं कि भाई कौन से कमिटीज़ के तहत वो काम करते हैं. एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई एम द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ मेम्बर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड. तो इन दैट सेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड कैंटोनमेंट बोर्ड थ्रू CEO वर्क इन सिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. टॉकिंग फिर हमने बात की इंडियन डिफेंस ईस्टर सर्विस के बारे में, इसका पोटेंशियल क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है और ये सर्विस UPSC के बाकी के सर्विस के तहत कितनी इम्पोर्टेंट है. एज यू आर अवेयर देर आर 19 सर्विसेज जिसके लिए UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है. और अगर नॉर्मल प्रेफरेंसेस लोगों के देखा जाए तो IAS, IPS, देन रेवेन्यू सर्विसेज और उसके बाद में लोग डिफेंस स्टेट सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं. और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो अपार्ट फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सर्विसेज डिफेंस स्टेट सर्विस आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देती है. मतलब यू कैन वर्क फॉर द पीपल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस, जहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है. डेली आपको लोग मिलने आते हैं विद देयर कंप्लेंट्स, विद देयर डिमांड्स, विद देयर रिक्वायरमेंट्स और कैंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस स्टेट सर्विस इज़ द ओनली सेंट्रल सर्विस जहाँ पे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है. तो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में जो भी ऑफिसर है वो कैंटोनमेंट बोर्ड का म्यूनसिपल मैनेजमेंट एज वेल एज डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट देखता है. तो ये अपने आप में एक रिच एक्सपीरियंस देता है और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे IDS ऑफिसर कैन गो फॉर डिप्यूटेशन. फॉर एग्जांपल कई बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं जहाँ पे IDS ऑफिसर कैन गो फॉर डिप्यूटेशन एज एडिशनल कमिश्नर. कुछ हमारे सर्विस के सीनियर ऑफिसर्स है जो मतलब दे वेंट अप टू द टॉप पोजिशंस इन स्टेट डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल पुणे स्मार्ट सिटी CEO वॉज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट. इसके अलावा सेंट्रल डिप्यूटेशंस के भी चांसेस होते हैं जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री या और कोई भी मिनिस्ट्री में जैसे बाकी ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वैसी अपॉर्चुनिटी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस को मिलती है. सर एस्पिरेंट्स कलेक्टर होना चाहते हैं, IPS होना चाहते हैं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जाता है,
तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द सर्विसेज बहुत मैटर करता है। तो वही सवाल हमने अमित जी से पूछा कि इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में डिसीजन मेकिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और कितना इंडिपेंडेंट वो डिसीजन ले सकते हैं। मुझे काफ़ी अथॉरिटीज़ दी गई है और अथॉरिटीज़ के साथ एक इंडिपेंडेंस भी दिया गया है। फॉर एवरी डिसीजन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ द अथॉरिटी। तो ये डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है काफ़ी कम सर्विसेज में मिलती है, क्योंकि जो डे टू डे फंक्शंस होता है इन विच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज़ टू टेक डिसीजंस विदाउट द इंटरफरेंस और द विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स। तो इन दैट सेंस डिसीजन मेकिंग इन डे टू डे फंक्शनल्स ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेना पड़ता है। एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और किस जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, इसकी भी जानकारी हमने लेने की कोशिश की। जनरली जब यूपीएससी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इनिशियल ट्रेनिंग जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में होता है। 6 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग आपको जो दी जाती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दी जाती है। और जनरली जो क्लास 2 कैंटोनमेंट्स होते हैं, जनरली हिली कैंटोनमेंट्स और प्लेन्स के जो क्लास 2 कैंटोनमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होता है वो मिनिमम 2 ईयर्स के बाद ही होता है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसके अनुसार 2 ईयर्स मिनिमम टेन्योर मिल जाता है। तो इनिशियल फर्स्ट पोस्टिंग के बाद आपको किसी बड़े कैंटोनमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। नेक्स्ट पोस्टिंग जो होता है जो डिफेंस स्टेट ऑफिसर जो लैंड मैनेजमेंट का देखता है वो होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स एंड 37 डिफेंस स्टेट सर्कल्स, जो हमारे 6 प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफिसेस है जो को लोकेटेड है आर्मी हेडक्वार्टर के साथ, वहाँ भी पोस्टिंग मिलती है। या हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट हमारा हेडक्वार्टर है सिचुएटेड इन द दिल्ली कैंटोनमेंट, वहाँ पे भी पोस्टिंग्स होती है। तो जनरली 10-12 साल के फील्ड पोस्टिंग के बाद प्रिंसिपल डायरेक्टरेट में या डायरेक्टरेट जनरल में पोस्टिंग ऑफिसर को पोस्ट किया जाता है।